नमस्ते। बतिया दोरावत के श्रोताओं का आज की राग की तस्वीर इस आख्यान में एक बार फिर प्यार भरा स्वागत। आज हम सायंकालीन संध्या प्रकाश के समय के कुछ चुनिंदा रागों की तस्वीर खींचने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। संध्या प्रकाश जब दिन और रात की संधि होती है तब का समय है, इसलिए दिन में दो बार होगा, सुबह सूर्योदय तथा शाम को सूर्यास्त के समय। आज सायंकालीन संधि प्रकाश के समय के जो राग हम देखेंगे वे हैं पुर्याधनाश्री, गौरी, पूर्वी, श्री तथा बसंत। इन पांचों रागों में जो स्वर उपयोग में लाए जाते हैं वे समान ही हैं, रेध कोमल और सायंकालीन होने की वजह से म तीव्र, या यूं कहिए कि म तीव्र होने की वजह से सायंकालीन। संधि प्रकाश समय का जादू कुछ ऐसे होता है कि इस समय मानवीय मन की कुछ विकल या व्याकुल अवस्था हो जाती है। बिना किसी वजह के कभी आंसू झरने लगते हैं, कोई याद परेशान करने लगती है। सुख चैन का, शांति समाधान का नहीं बल्कि अस्वस्थता का एहसास होने लगता है। कोई अनकही कमी खलनी शुरू हो जाती है। यही अनुभव मारवा, पुरिया इत्यादि संधि प्रकाश राग भी देते हैं। आइए आज सबसे पहले देखेंगे राग पुर्याधनाश्री की तस्वीर। कारुण्य से भरा हुआ ये राग, बल्कि ये रागिनी मानो किसी विपदा में फंसा भक्त ईश्वर के पास लीन दीन होकर दया की याचना कर रहा हो। सायंकालीन समय की उदासी तथा अवसाद को इस रागिनी के माध्यम से बखूबी एहसास कराया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये रागिनी खुद उस उदासी के केंद्र बिंदु पर है। दुख भरी, दर्द भरी परिस्थितियों से तथा हालात से पूरी तरह से हार स्वीकार कर चुकी ये रागिनी है। इसे स्वयं इन हालात से गुजरने का बल नहीं, इस कारण वह मदद की याचना कर रही है। इसी माहौल को दर्शाने वाली दो बंदिशें मेरे घराने में प्रचलित है। से
और मानो इसी भावना का परिपोष करती हुई आगे बढ़ाती हुई द्रुत बंदिश, जो केवल मेरे ही नहीं बल्कि अन्य घरानों के अंतर्गत भी गाई जाती है। मुश्किल करो आसान ख्वाजा मोरी, 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 मोम दीन अज मेरी दाता, मोम दीन अज मेरी दाता, मुश्किल करो आसान ख्वाजा मोरी, मुश्किल करो आसान। जगत देश में नाम तिहारो, जगत देश में नाम तिहारो, तखत रहत चरण की आस दाता, तखत रहत चरण की आस दाता, मुश्किल करो आसान ख्वाजा मोरी, मुश्किल करो आसान, करो आसान, करो आसान। ये दर्शन की आस, ये प्यास मानो सदियों से चली आ रही है और इन परिस्थितियों का जैसे कोई इलाज नहीं हो सकता। ये तस्वीर है पुरिया धनाश्री की। शरणागत, पराजित, शोकाकुल, गमगीन और हालात के सामने जिसने हथियार डाल दिए हों। वहीं इसी की बहन गौरी को देखिए, ये अपनी दुखी अवस्था में लीन है परंतु दीन एवं लाचार नहीं। अपनी कठिनाइयों से स्वयं जूझने के लिए वो तैयार है। किसी अन्य व्यक्ति, ईश्वर की भी, की मदद की उम्मीद नहीं कर रही बल्कि स्वयं संभलने को राजी है। नीरेगा मरेगा पा, इसके बजाय वह धनीरेगा गरेगा मबा, इस तरह से अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही है। इस प्रक्रिया में वो पगम रे गा रे गा म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा रे सा नि ध नि, इस तरह कुछ लड़खड़ा रही है परंतु पूरिया धनाश्री के भावुक, संवेदनशील, कमजोर तथा हतबल व्यक्तित्व की अपेक्षा गौरी का स्वभाव स्वतंत्र, स्वाधीन प्रतीत होता है। वो हालत से मजबूर है परंतु पराजित नहीं, थकी हो सकती है परंतु अभी हारी नहीं। गौरी भले ही दुर्बल हो
परंतु हतबल नहीं। पुरिया धनाश्री के भावुक स्वर कोमल धा की जगह पर गौरी का न्यास शुद्ध निषाद पर अधिक होता है, जो अधिक ठोस, सकारात्मक तथा स्वीकारात्मक महसूस होता है। मानो गौरी कह रही हो, मेरे खराब हालात पर मुझ पर दया रहम मत जताइए, बस मुझे थोड़ी सी संवेदना दीजिए, मैं अपने आप उठ खड़ी हो जाऊंगी। यहाँ पर मुझे आदरणीय मुगुबाई जी की गौरी की बंदिश याद आ रही है। नायिका को पता है कि नंदलाल तो नहीं आएंगे, पर फिर भी अपनी सकारात्मकता को बरकरार रखते हुए आशा की किरण लेकर वह प्रियतम का आवाहन कर रही है। पुरिया धनाश्री और गौरी इन दो रागिनियों की एक बहन है पूर्वी, जबकि इन तीनों रागिनियों के स्वर समान ही हैं, परंतु पूर्वी के माहौल में लीनता, दीनता, दुख, संकट, उसे निवारने के लिए की गई याचना, आरत पुकार, इन सारी भावनाओं का नामो निशान नहीं। पूर्वी के स्वरों से शुद्धता, पवित्रता, पारदर्शिता एवं भक्ति छलकते हैं। शायद ये परिणाम पूर्वी में अंतर्भूत किए गए शुद्ध मध्यम की बदौलत है। सा गरे पा पम ग म ग रे गरे म ग ग म द म ग ग रे सा नी रे म ग ग म द मुझे तो पूर्वी राग की तस्वीर ऐसे प्रतीत होती है मानो स्नान कर शुचिर्भूत हुई नायिका अपने हृदयेश्वर की पूजा रच रही हो। हृदयेश्वर उसके निकट हो या ना हो, नायिका की समर्पित मनस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, और इस समर्पण में संतोष है, समाधान है, बेबसी नहीं। इन तीनों रागिनियों के ही स्वर लेने वाले अन्य दो राग हैं श्री तथा बसंत। श्री तो संधिकालीन राग है लेकिन बसंत नहीं। इन दोनों रागों के स्वभाव तथा इनके दायरे के बारे में मैंने बंदिश की कहानी एवं ऋतुराज बसंत इन आख्यानों के अंतर्गत विस्तार से चर्चा की है, परंतु आज इन दोनों रागों की सगुण साकार तस्वीर की ओर एक बार फिर से नजर डालते हैं। रे 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 पा रे पनी सा रे नी द मगरे
रे पा रे रे मा रे ग रे रे सा। श्री राग है धीरोदात्त स्वभाव का निदर्शक, और ये वैशिष्ट्य इस राग का पंचम स्वर पर होने वाला न्यास तथा इस राग में उपयोजित रे पा पा रे मा रे ग रे रे सा इत्यादि मींडों के द्वारा अधोरेखित किया जाता है। हालांकि श्री में कारुण्य की छटा झलकती है जरूर, परंतु ये राग पुरिया धनाश्री समान हालात के सामने बेबस और करुण रस प्रधान नहीं, इसमें गंभीर और उदात्त भाव प्रतीत होते हैं। वैराग्य दिखाई देता है, बल्कि वैराग्य की प्रखरता और तेज, इन गुणों की वजह से श्री राग दीप्तिमान होता है, चमकता है। श्री के ही स्वर है बसंत के, परंतु बसंत तो है राजा। श्री राग ऋषि तुल्य प्रतीत होता है, सात्विक, शांत, धीर गंभीर, विचारी, विवेकी, परंतु बसंत है उत्तरांग प्रधान, राजस, धीरोदात्त और विचारी विवेकी के साथ साथ कार्य तत्पर, कार्योन्मुख। इस राजा के पास राजमहल में विराजमान होने के सारे फायदे हैं, खान पान, ऐशो आराम, मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध होने के साथ साथ, और इनके बावजूद इस राजा के पास वैराग्य भावना, अकेलापन है। इस राजा का राजस गुणों से मंडित वैराग्य श्री के तपस्साधित वैराग्य की तुलना में कम प्रखर है। राग की तस्वीर इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आज तक कुछ 30-35 रागों की तस्वीरें खींचने का प्रयास किया है, और हर आख्यान में इस बात को दोहराती रही हूँ कि एक राग की अनेक तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, जो कलाकार की संवेदना, प्रतिभा विलास, बंदिश की कहन तथा अन्य कई कारणों से संभावित हैं। एक ही कलाकार द्वारा एक ही बंदिश के माध्यम से एक राग की विभिन्न समय के अनुसार विविध तस्वीरें भी संभव हैं। मैं आज आप सभी श्रोताओं को आह्वान कर रही हूँ कि आप अपने नज़रिए से एक राग की कोई तस्वीर खींचने का प्रयास करें और आपके अनुभव मुझे लिख भेजें। मैं सभी की प्रतिक्रियाओं का विवेचन तो नहीं कर पाऊँगी, पर इस गतिविधि से आप खुद श्रोता की हैसियत में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं तथा अन्य श्रोताओं को प्रेरित कर सकते हैं। मेरी ये दिली धारणा है कि इस गतिविधि के परिणाम स्वरूप आप सभी श्रोता मेरी ही तरह कलाकार बन सकते हैं। आज के आख्यान में आइए बसंत आगमन का आनंद उठाते हुए बसंत की बंदिश से समापन करेंगे। पात पर उमड़ो है नवरस नवा उमंग